गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, एज यूजुअल अब आपका हाफ ईयरली कंप्लीट हो गया, तो आज हम नई टर्म की शुरुआत करेंगे और इसमें मैं आज आपको कराऊंगी लिंग गुण। आपने पहले भी किए हैं, फर्स्ट पीरियोडिक में भी किए हैं, सेकंड में भी किए हैं और अब थर्ड में भी करेंगे। तो जो मैं करवाऊंगी अच्छी तरह से आपने समझने हैं और करने हैं, ठीक है बेटा? ये आपने अपनी नोटबुक पे भी नोट डाउन करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला वर्ड है श्रीमान। क्या है? श्रीमान, ठीक है? पहले हम वर्ड्स लिख लेते हैं फिर उसके बाद करवाती हूँ। दूसरा है बलवान, तीसरा है भगवान, आगे है रूपवान, आगे है धर्मवान, आगे है गुणवान, आगे है भाग्यवान, आगे है बुद्धि मान, आगे है ज्ञान वान, आगे है नेता, नेक्स्ट है भट्टा, आगे है करता, आगे है रचयिता, आगे है सॉरी करता हो गया, नेक्स्ट है दाता, आगे है वक्ता, आगे है निर्माता, आगे है अभिनेता, नेक्स्ट है प्रबंधकर्ता, नेक्स्ट है नर तोता, नेक्स्ट है नर मक्खी, वन बच्चे नेक्स्ट इसका है। अब सबसे पहले है श्रीमान। जिस वर्ड के पीछे भी मान लगता है उसमें आता है मति, ठीक है? जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमति, ठीक है? श्रीमान, श्रीमति, शक्तिमान, शक्तिमति, तो इसमें मान का मति हो जाता है। मैं एक आपको बता देती हूँ, श्रीमान, श्रीमति, ठीक है? आगे है बलवान, वान का आता है बति, एक सब में वान है, तो आपका फर्स्ट वर्ड वही रहेगा। ये देखो बल वान का हो जाएगा बलबती, आगे है भगवान भगवती, रूपवान रूपवती, धर्म धर्मवान धर्मवती, गुणवान गुणवती, भाग्यवान भाग्यवती, बुद्धिमान, अब यहाँ मान है, मान का क्या होगा मति, बुद्धिमान बुद्धिमति, ज्ञानवान ज्ञानवती, नेक्स्ट है नेता। जहां भी ता आता है वो त्री में चेंज हो जाता है, जैसे नेता तो यहाँ आएगा नेत्री, आगे है भर्ता वर्त्री, ठीक है? भर्ता यहाँ आएगा भर्त्री, ये त्र, ठीक है बच्चे? ये त्र और ऊपर त्री, ऐसे भर्त्री, आगे है कर्ता कर्त्री,
रिचेता रिचेत्री, दाता दात्री, वक्ता वक्त्री, निर्माता निर्मात्री, अभिनेता अभिनेत्री, प्रबंध कर्ता प्रबंध कर्त्री। ठीक है, आगे है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते, जैसे तोता। अब तोता का पंजाबी में हम लिख देते हैं तोती, लेकिन तोती वर्ड पंजाबी में होता है, हिंदी में नहीं। हिंदी में क्या होता है, तोता का क्या होता है, एक तोता जो होता है वो नर होता है और दूसरा मादा होता है, नर का मादा, ठीक है, मेल का फीमेल। तो यहाँ नर तोता मादा तोता। ऐसे ही मछली, मछली में भी दोनों ही होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, नर मछली मादा मछली। आगे है नर मक्खी। अब मक्खी देखने में हमें क्या लग रही है, फीमेल, लेकिन इसमें भी दो तरह के होते हैं, नर मक्खी और मादा मक्खी, नर मच्छर और मादा मच्छर। ये जो वर्ड चेंज नहीं होते, अगर इनके साथ नर लगा हो, अगर आपको लिखा गया हो नर मछली तो आपने लिखना मादा मछली, अगर अकेला मछली आ जाए तो आपने उसका आंसर मछली ही लिख देना अकेला, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है वो नर है या मादा है, तो आपने मछली का मछली ही रहने देना है। इसी तरह तोता है तो तोता का तोता ही रहने देना है। उसमें अगर नर मादा लिखा है साथ में जिस भी वर्ड्स के साथ, तो आपने जिस भी शब्द के साथ नर लिखा है तो आपने आगे मादा लिखना है। अगर नहीं है, जैसे तितली है तो आपने लिख दिया तितली का तितली, अगर वहां लिखा है मादा तितली तो आपने लिखना है नर तितली, अगर लिखा है नर मच्छर तो आपने लिखना है मादा मच्छर। ठीक है, अगर नहीं है नर मादा लिखा हुआ तो उसका वह एज इट इज रहने देना, क्योंकि यू डोंट नो कि वो मादा है या नर है, तो आपने उसका तितली का तितली और मक्खी का मक्खी, तोता का तोता, चील का चील, क्योंकि इन सभी में ये जो है वो चेंज नहीं होते। आपके बुक में और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे खरगोश है, चील है, कोयल है, ठीक है, इसमें कोई कोयल भी, कोयल का भी है। अब कोयल भी जो है उसमें नर भी होता है मादा भी होता है, तो आप उसमें ये नहीं लिख सकते कोयल का, आपको कोयल दिया आप लिखे तो मादा कोयल, क्योंकि वहां लिखा नहीं है, बताया नहीं कि आपको कि वो नर है या मादा, कोयल का कोयल ही रहेगा। लेकिन अगर उसके साथ लिखा है नर कोयल तो आप लिखोगे मादा कोयल, अगर मादा कोयल लिखा है तो आप नर कोयल लिखोगे। ये थे आपके लेन। अब मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से सुने होंगे, आपने याद भी करने हैं और अपनी कॉपी पर भी लिखने हैं, तो आपने नई कॉपी लगानी है इस टर्म में और आपने अच्छी तरह से काम करना है, सुंदर रहते। धन्यवाद।